अभी हम मौजूद है मटिया बुरुज के गुलाम अब्बास लेन में, जहां पे एक बहुत दुखद घटना हमारे सामने पेश आया, जहां पे आप लोगों को पता होगा कि एक छोटा सा बच्चा जिसका नाम आयान था, उसकी बॉडी मिली एक बिल्डिंग के करीब, जहां पर उसे मार कर फेंक दिया गया। और इस केस को हुए 3 से 4 दिन हो चुके हैं और उनके घर वाले अभी भी इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं पुलिस से, प्रशासन से, कि उसके बच्चे के साथ जो ये बुरा हादसा हुआ है वो किसी और के बच्चे के साथ ना हो और उन्हें इंसाफ मिल सके। और आज एक बहुत बड़ी प्रोटेस्ट रैली भी निकाली गई थी नमाज जुमा के बाद, कच्ची सड़क मोड़ पर काफ़ी लोग वहाँ तादाद में मौजूद थे। अभी हम उस बच्चे के घर में मौजूद हैं, उसके घर के फैमिली मेम्बर्स हैं, कुछ लेडीज़ हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे कि वो आखिर अब ये जो हादसा हुआ है तो गवर्नमेंट से क्या अपील कर रही है, पुलिस से क्या उन लोगों का विश्वास है, क्या पुलिस करे उनके लिए, हम उनसे खुद जानने की कोशिश करते हैं। तो अब 3 दिन हो चुके हैं, तो अब तक क्या इंक्वायरी हुई पुलिस की तरफ से, क्या कार्रवाई की गई है? अभी तो कार्रवाई हो ही रहा है, अभी तो कुछ रिजल्ट आया ही नहीं। तो आप लोग आज प्रोटेस्ट रैली में भी गए थे, तो कितने लोग जमा हुए थे? उतना हम ध्यान नहीं दिए। अच्छा, उसका नाम बताइए, बच्चे का नाम क्या था? आयान। कौन से क्लास में था? सिक्स में। आप कौन हुई आयान की? उसकी मम्मी उसकी। तो कैसा अभी घर का माहौल हो गया उसके जाने के बाद? बहुत खराब। तो आप कुछ अपील करिए हमारे चैनल के माध्यम से पुलिस से, प्रशासन से, आपकी तो आवाज़ पहुंचे उन तक। क्या बोलेंगे, यही कि उसके साथ जो ऐसा कि इसे पकड़ा जाए, सामने में आ जाए, और इससे ज़्यादा काट जाएगा आदमी। और बच्चा कैसा था, मतलब मिलनसार था? एक बच्चा होता है इलाके में, लड़ाई झगड़ा करता है, बहुत सारे बच्चे खेलने वाले रहते हैं, कैसा मिजाज था उस बच्चे का? खेलने का आदत था, इससे उससे चकल्लसबाजी हंसी मजाक करने का आदत था। आप लोगों के किसी पे शक है? हम लोग का किसी पे शक का बताएं, बोलता हूँ जैसा घर के अंदर रहते हैं, हमको तो नहीं पता, घर को जेंट्स लोग बता सकते हैं सब। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आयान की जो मम्मी है वो बात करने की स्थिति में नहीं है, काफ़ी दुखी हैं, काफ़ी परेशान हैं अपने बेटे के जाने के बाद। यहाँ पे कुछ लोग भी मौजूद हैं और आयान के घर के उनके दादा मौजूद है, दादा से उनके बात करते हैं। तो क्या हम यही कहना चाहेंगे कि हमको इंसाफ चाहिए जी, और जो ऐसा किया है उसको सज़ा मिलना चाहिए। अब तक क्या कार्रवाई की गई है पुलिस की तरफ? अभी तो हम लोग कच्ची सड़क मोड़ में घेराव किया था, रोड बंद किए थे, तो वसी साहब आके बोले हैं कि हम 2-4 रोज में आप लोग को फैसला ये करके पकड़ के ये दिखा देंगे और बता देंगे। अब वो प्रशासन का हम लोग को सहायता करेगा और कैसे हम लोग को ये करेगा देखेगा, वो प्रशासन जाने और पुलिस जाने। और इस हादसे के बाद से क्या कोई काउंसलर या MLA या MP या कोई भी गवर्नमेंट की तरफ से या पार्टी की तरफ से कोई लोग आपसे मिलने के लिए आए हैं? जी नहीं, कोई मिलने नहीं आया है। तो उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे आप? तो उन लोगों से कि उन लोग आके यहाँ जब काउंसलर है तो पहले तो उसका हक है कि आके वो सब चेक करे और आगे चल के इसको बढ़ाए, मगर ना यहाँ काउंसलर आया है और ना MLA आया है, अभी तक किसी का पता नहीं है। हम लोग MLA के नज़दीक जा रहे हैं कि जाने के लिए सोचे, तो परसों जुमरात के दिन जुमरात के दिन हम लोग गए थे ये कॉरपोरेशन ऑफिस, वहाँ MLA आए थे, उनसे बोला गया तो वो बोले कि आज हमको छोड़ दीजिए, कल हम वहाँ आप लोग के यहाँ आएंगे। और आज सारा दिन हम लोग इंतज़ार किए मगर उनका पता नहीं। आपको क्या लगता है, जिस तेज़ी से पुलिस काम कर रही है, प्रशासन काम कर रही है, क्या आपको लगता है कि इंसाफ मिलने की कोई उम्मीद है? अब वो लोग के ये है, देखें उम्मीद तो है कि मिलेगी, अब वो लोग दिलाएगा तो मिलेगी, नहीं दिलाएगा तो नहीं मिलेगी। आपको किसी के ऊपर शक है, कुछ ऐसा बच्चे से कुछ लड़ाई झगड़ा किसी का? नहीं नहीं, ऐसा कोई शक नहीं है। हम लोग के आज तक यहाँ 60-70 बरस हो गया रहते हुए, आज तक किसी से उखड़ के बात हम लोग नहीं किए हैं, किसी से झगड़ा लड़ाई नहीं है, तो भाई किस पर हम शक करेंगे? मेरा बच्चा सोमवार के दिन 3 बजे घर में आया
और वापस 3:30 बजे मेरा बच्चा घर से बाहर निकला और फिर 5 बजे मेरी दुकान है बगल में वहाँ आया 5 बजे, बोला फूफी पैसा दीजिए 10 रुपया हम कुछ खाएंगे, बगल दुकान से लिया है, लेने के बाद खाया, खा के उसको वहाँ से कोई उठाया या वो खुद उसको बहला के लेकर गया, हम लोग जानते नहीं कुछ भी, मगर मेरा बच्चा वहीं से गायब हो गया और गायब होने के बाद और वो दोबारा आया नहीं। और यहाँ पूरा गुलाम अब्बास लैन को पूरा छान मारी देख लीजिए इंसान, पर कहीं उसका पता नहीं। और 2:12 में ऐसा लग रहा कोई लाश वहाँ जहाँ से बॉडी मिला है लग रहा वहाँ ला के कोई रख दिया है, और उससे पहले वहाँ पे कोई नामो निशान नहीं था, ना कोई इंसान का और ना वो बच्चा का। आखिरी बार उस बच्चे को आप लोगों ने कब देखा था, कितने बजे देखा था? बोल रहे हैं हम लोग तो नहीं देख पाए घर का कोई भी आदमी, मगर आसपास का बोल रहा कि कोई 6 बजे देखा है, कोई 7 बजे देखा है, पर हम लोग जानते नहीं। हम लोग एकदम लास्ट मोमेंट उसको 5 बजे तक का देखा है, 5 बजे के बाद और मेरा घर का कोई आदमी उसको देख नहीं पाए। आप बच्चे की कौन लगी? पूपी। तो आप कुछ अपील करना चाहती हैं गवर्नमेंट से, ममता दीदी से? हाँ, हम लोग ममता दीदी से और बॉबी हकीम से इंसाफ चाहते हैं कि हम लोग के लिए इंसाफ करें और जो मुजरिम है उसको सामने लाए, उसको सजा दें। आप कौन हुए बच्चे के? बच्चे के बाप हुए हम। तो कितने बजे से बच्चे को आप लोगों ने ढूंढना शुरू किया था? देखिए हम एक मतलब घर पर हमारे दोपहर के टाइम में खाना खा के 3:30 बजे हम बाहर निकले, क्या समझे आज 9:30 बजे, 9:30 बजे आने के बाद हम आए तो मेरी वाइफ हमको बोलने लगी कि देखिए ना आयान अभी तक आया नहीं है, कहाँ कहाँ पर ही खेल रहा है, तो हम लोग खेलता होगा मोहल्ला में, हम उतना ध्यान नहीं दिया, हम चल गए क्या समझे बाहर गए। फिर उसके बाद 10:30 बजे बोले मेरी वाइफ बोलने लगी कि अभी तक देखिए ना आयान नहीं आया, हम लोग कब से नहीं आ रहा, बोले 5 बजे से। तब मेरा दिल छन से नहीं हुआ, हम कहा कि खोजना उसको शुरू किया, हम इधर उधर मोहल्ला में खोजते कहा से रात का 12:15 हो गया, कहीं पर पता नहीं चला। मेरे साथ में मोहल्ला का लड़का लोग भी सब खोजा, क्या समझे कहीं पर कुछ नहीं, ये बिल्डिंग में ऊपर से लेके नीचे तक पूरा छान मारा, हमसे पहले भी कुछ लड़का खोजा, मेरे बाद भी खोजा, हम 12:15 के बीच में बिल्डिंग में चढ़े पूरा खोजा, कहीं पर कुछ नज़र नहीं आया हमको। उसके बाद फिर हम 1:30 बजे के टाइम में 1:30 से 1:45 के अंदर हम थाना चल गए, हम लोग चले जरा एक ठो पुलिस को भी सहारा ले ले कम से कम, हमसे तो कुछ हुआ नहीं अब पुलिस का सहारा ले, गए थाना गए डायरी देने के लिए, वहाँ पर ऑफिसर से हमसे बहस हो रहा है, ऑफिसर बोला तुम इतना देरी में आया, हम लोग सर हम अपना रिश्तेदार के यहाँ देख रहे थे, अपना पड़ोस में देखा कहीं पर नज़र नहीं आया, इस वजह से हम आपके पास है, इसी में बहस चल रहा था हमसे ऑफिसर से। उसके बाद 2:15 के बीच में मेरे घर से फ़ोन गया कि आयान मिल गया, तो हम ऑफिसर को बोला सर मेरा लड़का हमको मिल गया सर, आप बोलिए तो हम आपके सामने ला के खड़ा कर देगा, बोला तो ऑफिसर हमको बोला कि इसका कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम अपना वहाँ से आए तो देखें यहाँ पे मेरा बच्चा का बॉडी पड़ा हुआ है। किस हालत में मिला आपको? मतलब एकदम डेड बॉडी और क्या, पूरा चोट लगा हुआ है इसी हालत में। चोट लगा हुआ था क्या, कुछ उसको मारा वारा भी गया था? हाँ बहुत हेवी मारा गया उसको, उसको बहुत हेवी मारा गया, मारा नहीं गया उसको बहुत हेवी मारा गया, कैसे पूरा पाँव में उसका दाग था रट का, पीठ में दाग था, क्या समझे। तो आपको क्या लगता है किसी से कोई दुश्मनी या लड़ाई ऐसा कुछ शक है आपको? नहीं मेरा तो किसी से दुश्मनी नहीं, ना किसी पे हमको शक हो रहा है, क्योंकि किसी के साथ हम गलत किया ना तो कोई मेरे साथ गलत करेगा तो कैसे कर, आखिर हुआ तो कैसे हमको खुद नहीं समझ में आ रही चीज़, आखिर ऐसा कौन सा मेरा दुश्मन है जो हमको छोड़ के मेरा बच्चा पे हमला किया। मोहल्ले वाले ने मतलब जिस इलाके में अभी ये हुआ है वहाँ देखा जा रहा है काफ़ी कंजेस्टेड एरिया है, तो कुछ ऐसा लोगों ने कुछ देखा कुछ वहाँ पे ऐसे हरकत हो रहा है या कुछ आना जाना कुछ लोग कर रहे हैं, या उसको कभी बच्चे को वहाँ जाते हुए देखा उस वक्त, कोई ऐसे लोग हैं जिन्होंने देखा है ऐसा होते हुए? नहीं ऐसा तो होते हुए किसी ने देखा, अगर कोई अगर देखता तो मेरे सामने ज़रूर आता वो। अब आगे आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग सिर्फ फराज हकीम से ममता बनर्जी से यही सवाल करते हैं कि हमको इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, हमको इंसाफ चाहिए, सिर्फ मुजरिम को हाजिर करिए। अब तक पुलिस ने कुछ कदम उठाया इसके खिलाफ? नहीं अभी तक तो कोई ऐसा कदम समझ में नहीं आ रहा है, आज 5 दिन हो गए अभी तक कोई ऐसा कदम नहीं समझ में आ रहा हमको, लेकिन आज हम लोग रोड घेराव किया तो आज मतलब टाइम मांगा, बोला 10-12 दिन का हमको टाइम दीजिए, हम कुछ इसका मसला निकालेंगे, हम देखिए अब क्या करता वो।